भाई बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा बिजनेसमैन हमारे घर खुद चल के आ गया। ना बेटा, इन लोगों के पास वक्त नहीं होता है हम जैसे लोगों से मिलने का। बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन अम्मी वो बहुत सादा, बहुत नरम मिजाज इंसान है। हाल बता, जो लोग उन्हें नहीं जानते होंगे वो उनको घमंडी और मगरूरी समझते होंगे। बेटा, मगरूर तो कहीं से नहीं लग रहा था। हाँ, अलबत्ता कुछ उलझा उलझा सा लग रहा था। और तुमने ये क्या जिद लगा ली थी उनका इस कल्चर बनाने की? तुम्हें पता है तुम्हारी इस बात से वो कितना अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे? जिद नहीं है, ख्वाहिश है मेरी। मैं उनका स्कल्पचर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैंने एक चीज नोट की है, वो मेरी हर बात टाल देते हैं। सनी क्यों? बाज आ जाओ। ठीक है, मैं मानती हूं तुम्हारा फेवरेट शायर है, पर ये ना भूलो कि वो इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन भी है। बेटा, तुम्हारा दिल रखने के लिए वो तुम्हारी हिमाकतें बर्दाश्त तो कर लेता है, लेकिन तुम्हें पता है वो अंदर से बहुत संजीदा इंसान लगता है, अपनी ही दुनिया में रहने वाला। मगर डांट क्यों पड़ी? बस आपकी वजह से डांट पड़ी है आज अम्मी से मुझे। मेरी वजह से? वो क्यों? मैंने तो तुम्हारी अम्मा को कुछ शिकायत नहीं लगाई तुम्हारी। उनको लगता है कि आप मुझसे मुरवतन बात कर लेते हैं और मैं आपसे उल्टी सीधी जिदे और फरमाइशें करके आपका सर खाती रहती हूँ खामखा। अच्छा, उन्हें एक मुलाकात में कैसे पता चल गया ये? क्या 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 क्या? अच्छा, तो अम्मी ठीक ही कह रही थी। मैं आपको डिस्टर्ब करती हूं ना, अब नहीं करूंगी। मैं फोन रख रही हूं, मैंने कहा मैं फोन रख रही हूं और मैं आपको दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बस मेरी यही दुआ है कि जहां रहो खुश रहो, फलो फूलो, कभी कभार याद कर लिया करना। ठीक 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 ठीक। अच्छा, तो आप भी मुझसे जान छुड़ाना चाहते हैं? आप भी मेरी ज्यादा बातें करने की आदत से बेजार आ चुके हैं मेरी अम्मी की तरह। लेकिन क्या करूं, आरजी हूं ना, बातूनी तो होंगी। लेकिन आप फिक्र ना करें, अब से मैं आपको तंग नहीं करूंगी और ना ही आपकी पोएट्री अपने शो में शेयर करूंगी। खुदा हाफिज एंड गुड बाय। खुदा हाफिज आरजे एनी।